अगर हम चाहे खेसारी जी के साथ हों या निरहुआ जी के साथ हों या पवन जी के साथ हों फिल्म बनाएं, सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। क्या आपको पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, ये तीन जिन्हें बड़े सुपरस्टार माना जाता है भोजपुरी के, ये जी नहीं दिख रहे हैं? हमारा एक खेसारी जी के साथ और एक निरहुआ जी के साथ भी प्रोजेक्ट चल रहा है। भोजपुरी में भी देखिए, अभी मैंने एक फिल्म बनाई है बेमिसाल खिलाड़ी, रजनीकांत शुक्ला उसमें हीरो हैं, रानी चटर्जी हैं। इस फिल्म में मैं रितु सिंह को ले रहा हूँ और गौरव झा को ले रहा हूँ, तो इन लोगों को देख के लगता है कि हाँ यार, मतलब हम उस बॉलीवुड वाले लेवल पे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि बॉलीवुड से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों का दौर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। बॉलीवुड के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भोजपुरी का है। नमस्कार दोस्तों, बहुत ज्यादा स्वागत है आपका फिर एक बार देसी भारत चैनल पर। हम हैं धर्म दुबे और आज हॉट सीट पर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो है बॉलीवुड और भोजपुरी के डायरेक्टर मिस्टर दीपक त्रिपाठी सर। नमस्कार, आपसे आपसे बात करना बहुत जरूरी है हमारे जी। इस विषय को लेकर के कि भाई क्या हाल चाल है भोजपुरी इंडस्ट्री का, आप हिंदी में भी काम कर रहे हैं, भोजपुरी में काम कर रहे हैं, सर सबसे पहले ये बताएं कि कितने साल के से आप इंडस्ट्री में हैं एज ए डायरेक्टर? देखिए, मैं मुझे करीब 25 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, और एक ईगल फिल्म्स कंपनी है जो हमारे गुरु हैं मिस्टर उमेश मेहरा जी, FC मेहरा साहब की वो प्रोडक्शन हाउस है, मैं उसी से जुड़ा हूँ आज भी, और अभी मैं बाहर काम कर रहा हूँ। और जिस तरह के हालात देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ कि बॉलीवुड से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों का दौर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, क्योंकि अब अच्छा सिनेमा बनने लगा है, अच्छे लोग काम कर रहे हैं, और जितने हीरो हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनको भी अब समझ में आ गया कि हमको एक बढ़िया लेवल का काम करना है, जो भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जी बिल्कुल। हाँ, ये बताएं कि अब तक कितनी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं, अगर हम भोजपुरी और हिंदी दोनों के साथ बात, मैं अगर दोनों आप मिलाएंगे तो मैं करीब 7-8 फिल्मों का डायरेक्शन कर चुका हूँ। पिछले साल ही मैंने हमारी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें जिसका नाम था हम तो हुए हैं तुम्हारे, हिंदी। इसमें अजीत पंडित और आसिमा शर्मा इस तरह और बाकी सपोर्टिंग में लोग थे। जी, बहुत बढ़िया, और सबसे बड़ी गूगल से हमको 4.5 स्टार मिला है। जी, भोजपुरी में क्या कमाल है? भोजपुरी में भी देखिए, अभी मैंने एक फिल्म बनाई है बेमिसाल खिलाड़ी, रजनीकांत शुक्ला उसमें हीरो हैं, रानी चटर्जी हैं, भावना सिंह जी हैं, आदित्य मोहन हैं, संजय पांडे, समर चतुर्वेदी, अनूप जी, और सपोर्टिंग में नगीन बड़ेल, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं। बहुत बढ़िया फिल्म बनी है, और वो हमारी फिल्म अभी एक्चुअली कोरोना के दौर में थोड़ा रुक गई थी रिलीज के लिए, वो अभी रेडी है, और बहुत साफ़ सुथरा काम, जो लोग, मैं दूसरों के भी मैं प्रोजेक्ट देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, और ये हमारे समझ से, हम मुझे लगता है कि शायद अब जो भोजपुरी का है वो प्रॉपर दौर एक आ गया है। आपसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुलना अगर हम करना चाहें बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों की, तो आपके लिए सरल क्या है, बेहतर क्या है, या फिर कष्टदायक? देखिए, क्या है कि ये सीधी बात है कि बॉलीवुड हिंदी फिल्म का ग्रेड थोड़ा ऊंचा है, उसकी वजह है कि हम भोजपुरी को लोगों ने जिस तरह से पहले जो काम जिस तरह से हुआ उसमें लोगों को काम करने में भी कष्ट होता था, लेकिन बोलते हैं ना कि काम तो करना ही है, लेकिन अब जो चीज़ आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम देखिए, प्रेजेंटेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है। हिंदी में उसी चीज़ को हम जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं तो वो बल्गर नहीं लगता, भोजपुरी में हम जब उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो इतना ओपन कर देते हैं उस चीज़ को कि वो बल्गरटी, जबकि होता चीज़ें वही है, चीज़ें वही हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फ़र्क है, बिल्कुल, और बाकी कुछ भी फर्क नहीं। और फिर इसे जबरन जो है अश्लीलता, डबल मीनिंग वाले नाम, वो नाम दिए जाते हैं भोजपुरी में, लेकिन अब वो दौर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब लोगों को भी समझ में आ गया कि नहीं, मुझे घरों के लिए, जो हमारी माताएं बहनें, जो लेडीज हमारी घर में बैठी हैं, वो भी जब चैनल पे देखें तो उनको भी लगे कि हाँ, मैं एक साफ सुथरा बढ़िया सिनेमा देख रही हूँ। त्रिपाठी सर, जब आप भोजपुरी की तरफ देखते हैं तो आपके सामने कौन से चेहरे आते हैं जो जिन्हें देखने के बाद लगता है कि हाँ, ये है भोजपुरी? देखिए देखिए, बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे मैं कुछ लोगों से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, जैसे संजय पांडे जी हैं, और हीरोइन में काजोल जी हैं, और आपकी रानी जी हैं, ये जो मोनालिसा जी हैं, ये जो एक चेहरे हैं, उनको देख के लगता है कि हाँ यार, इनको लेके जब हम सिनेमा करते हैं तो अपने आप अंदर भी, अभी जैसे मैं इस फिल्म में मैं रितु सिंह को ले रहा हूँ और गौरव झा को ले रहा हूँ, तो इन लोगों को देख के लगता है कि हाँ यार, मतलब हम उस बॉलीवुड वाले लेवल पे हैं, बिल्कुल।
जी बिल्कुल, गौरव झा और ऋतु सिंह की जोड़ी जी है जी जी यस जी, हाँ कई फिल्में वो लोग कर रहे हैं, यस यस। लेकिन क्या आपको पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरव हुआ कि तीन जिन्हें बड़े सुपरस्टार माना जाता है भोजपुरी के, ये नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल। देखिए ये तो ऐसे, ये ऐसा लेवल है कि हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहता है इनके साथ काम करना, सीधी बात है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि बजट भी लोग देखना पड़ता है। लेकिन ये पक्की बात है कि मैं इन लोगों के साथ भी बहुत जल्दी काम करने वाला हूँ। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं किशन जायसवाल जी, रामबाबू गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी, हमारा एक केसारी जी के साथ और एक निरहुआ जी के साथ भी प्रोजेक्ट चल रहा है। किसी फिल्म के लिए आप क्या देखते हैं, स्टार कास्ट बड़ी देखते हैं, फिल्म की कहानी देखते हैं या प्रोड्यूसर का पैसा? नहीं देखिए, आज जो है सबसे पहले तो प्रोड्यूसर को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है कि, और जो दौर, क्योंकि अभी नेचुरल बात है थिएटरों से हम मायूस हैं, हर प्रोड्यूसर मायूस है क्योंकि थिएटरों का हाल सही नहीं है। हाँ लेकिन आज जो सेटेलाइट वगैरह हम उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो जितना कम से कम बजट में काम हो जाए, अच्छी फिल्म हो जाए। और सबसे बड़ी बात देखिए यह है कि आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, कि सब्जेक्ट बहुत बढ़िया हो, एक नई चीज़ हो, लोगों के लिए मैसेज हो, और अगर उसका सही आर्टिस्टों को लेके, सही कास्टिंग करके अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए तो 100% फिल्म आपकी चल पड़े। नुकसान कहाँ होता है, फिल्म फ्लॉप क्यों होती है, पिक्चर में लगे हुए पैसे वापस क्यों नहीं आते आपके नज़रिए से? देखिए उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोड्यूसरों से जब कह देते हैं कि ये फिल्म जो है मैं आपकी 10 रुपये में बना दूंगा, अब शेड्यूल गड़बड़ा जाता है, पता चला वो 10 दिन की जगह 15 दिन हो गया, तो जितनी ओवर बजट फिल्म होती जाएगी उतना ही प्रोड्यूसर का लॉस है, क्योंकि ओवर बजट जो भी लगता है वो कभी आता नहीं है। मिला जुला के नाप तोल करके बहुत जरूरी, यस यस। अगर प्रोड्यूसर को सेफ रखना है, और प्रोड्यूसर को सेफ रखना ही चाहिए, क्योंकि माई बाप तो वही है, हम लोगों का, आर्टिस्टों का माई बाप तो प्रोड्यूसर है ना, वो पैसा लगाता है तो सारे लोगों के घर चलते हैं, आपका एक नाम होता है, एक आपका एक स्टेटस बनता है। तो सारे आपने कहा कि एक अच्छी बेहतर कहानी लेकर फिल्में बनाई जाए तो वो चलनी है, लेकिन मेरा सवाल एक उल्टा सा ये है कि सुपरस्टारों के साथ अगर फिल्में बनाई जाए, पवन जी के साथ, निरहुआ जी के साथ अगर फिल्में बनाई जाए तो फ्लॉप है यही है? नहीं देखिए आज वो भी चीज़ जरूरी होगी, अगर हम चाहे खेसारी जी के साथ हों या निरहुआ जी के साथ हों या पवन जी के साथ हों फिल्म बनाएं, सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, और सबसे बड़ी बात हो गई है प्रेजेंटेशन। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आप कितना भी बड़ा सुपरस्टार ले लीजिए, फिल्म आपकी डुप होने वाली है, ये पक्की बात है। पक्की बात, यस। क्या बात है, आपके नज़रिए से जाते जाते आखिरी सवाल हम जरूर आपसे पूछना चाहेंगे कि कहाँ देख रहे हैं भोजपुरी, कहाँ पहुँची थी? अब अपनी जगह बना रही है भोजपुरी, और मुझे जो लगता है कि शायद हम 1-2 साल में अपनी प्रॉपर एक सही जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भोजपुरी का है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि भोजपुरी अपने जगह अपने आप बना ले, एक बॉलीवुड का जो स्तर है हम उसको अगर हम पा गए, मतलब उसके हम अगर थोड़ा भी करीब पहुँच गए तो समझ लीजिए हमारी भोजपुरी अपने आप एक ओहदा बना लेगी। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दीपक त्रिपाठी सर हमसे बात करने के लिए। और दोस्तों बहुत ही मुद्दे की बात सर ने कही है, इनसे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें देसी भारत। नमस्कार। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबको मेरा नमस्कार, सभी ऑडियंस को नमस्कार, थैंक यू।